हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक प्रोग्राम माइंड। जैसा कि आपने देखा कि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम पेन ड्राइव के आइकन को किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह हम अपना पिक लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की डेली अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए एक इमेज देनी पड़ेगी, जो भी आपको अपने पेन ड्राइव के आइकन पर लगानी है। जैसे कि हमें ये वाली पिक लगानी है, तो इसको सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसको ओपन डिस्प्ले क्लिक करना है। ओपन डिस्प्ले क्लिक करने के बाद आपको इसको पेंट में खोलना है। पेंट में इसलिए खोल रहे हैं ताकि हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकें। इसके लिए आपको फाइल पर जाना पड़ेगा। फाइल पर जाने के बाद सेव एज वाले ऑप्शन पर जाना है। सेव एज वाले ऑप्शन पर जाकर आपको BMP पिक्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको किसी भी नाम से सेव कर देना है। जैसे कि हम इसको वन नाम से सेव कर देते हैं। वन आप उसको सेव करेंगे तो आपको 25-bit BMP इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। आपको देखना है .BMP, ये BMP इसका एक्सटेंशन है। इस वजह से ये 24-bit BMP आया है यहाँ पे। इसको आपको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद इसको रिनिवाइज कर देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हमने फाइल सेव की थी वो डेस्कटॉप पे आ गई है। अभी हम इस पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपको क्या करना है, सेकेंड काम, इसको आपको आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर डालेंगे हमें सिंपली इसके अंदर कमांड टाइप करनी है। आपको सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक कमांड टाइप डालनी है। यहाँ पे लिखना है आपको ऑटो रन और ब्रैकेट। सिंपली याद रहे कि अब ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और ब्रैकेट से एक क्लोज करना है। एंड सेकंड कमांड है आइकन, क्योंकि इसको हमें आइकन लगाना है इसलिए हमें आइकन लिखना पड़ेगा। तब उसको स्पेस देना है, उसके बाद इक्वल टू को साइन लगाना है, फिर आपको दोबारा स्पेस देना पड़ेगा उसके लिए। और आपको अब फाइल का नाम डालना है, क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम हमारा वन था इसलिए हमें यहाँ पे वन ही लिखना पड़ेगा। वन और .BMP BMP इस पर डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसको फाइल का एक्सटेंशन था। तो आपको फाइल का एक्सटेंशन नहीं मालूम तो आपको सिंपली इस पर पिक्चर पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाके आपको यहाँ पे इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। इसकी यहाँ पे .BMP है इसलिए हमने यहाँ पे .BMP लिखा है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको फाइल पर जाना है, सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस फाइल को सेव करना है। आपको याद रखना है कि फाइल सिर्फ ऑटो रन नाम से ही सेव करना पड़ेगा। ऑटो रन नाम सेव करने के बाद आपको एक्सटेंशन लगाना है यहाँ पे .INF। INF लगाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और ऑल फाइल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये फाइल का एक ऑप्शन आ गया ऑटो रन नाम से। आपको क्या करना है, सिंपली आपको पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है, जो मैंने कर रखी है। आप देखिए इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये दोनों फाइल को कॉपी करना है, यानी अपना फोल्डर वाला और एक ये वाला। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको इसको अपने पेन ड्राइव में पेस्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है और पेन ड्राइव को इजेक्ट करना है। इजेक्ट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, इसको दोबारा पेन ड्राइव को वापस लगाना है इसमें अपने पीसी में। मैंने अपने पीसी में पेन ड्राइव वापस लगा दिया है। लगाने के बाद आप दोबारा खोलेंगे माई कंप्यूटर को, आप देखें कि मैंने जो पिक्चर ली थी वो सिंपली अपने आइकन की जगह सेट हो गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। आपको क्या करना है, इसको परमानेंटली रखना है, तो आप सिंपली इन दोनों को हिडन कर सकते हैं, जिससे किसी को दिखाई भी ना दे और ना ही कोई इसको डिलीट कर सके। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पर जाके आपको हिडन फाइल करना है। हिडन पर करने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के बाद ओके, आपने देखा कि वो दोनों फाइल यहाँ से सिंपली हट गई हैं। आप इसको बैक करके दोबारा भी खोलेंगे तो भी वो आपको दिखाई नहीं देंगी, ना ही कोई इसको डिलीट कर पाएगा। अगर आपको मान लीजिए आपको वापस लाना है उन दोनों को, तो आपको सिंपली ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है। ऑर्गेनाइजेशन पे जाके फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने का आपको व्यू ऑप्शन पे जाना है। व्यू ऑप्शन जाने के बाद आपको शो फाइल और फोल्डर पर क्लिक करना है और अप्लाई और ओके। देखा कि आपने वापस आ गई है। अब मान लीजिए आपको ये यहाँ से अपना आइकन ही हटाना है और वापस पहले वाला लाना है, तो आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट करने के बाद आप पेन ड्राइव को बाहर निकालेंगे तो आपको पेन ड्राइव वापस पहले जैसा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की डेली डेली अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड गुड बाय।